दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार की 5 सबसे बड़ी खबर। दोस्तों अगर आप भी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल द हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद सीएम नीतीश कुमार इस मामले में कड़ी जाँच का आदेश दिया है। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब मौत का कारण बन चुका है। इससे पहले भी दिसंबर 2022 में छपरा समेत कई जिलों में 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। नीतीश कुमार सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है और इसके बाद भी अगर कोई जहरीली शराब से किसी का मौत होता है तो किसी को भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। पटना की हवा दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली हो चुकी है। दोस्तों बिहार में प्रदूषण की मात्रा दिनों पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री होने के बाद भी पटना की हवा प्रदूषित हो रही है। WHO के अनुसार प्रदूषण की मात्रा 45 AQI से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अगर इससे ज्यादा है तो उस शहर को प्रदूषित माना जाएगा। आमतौर पर पटना में प्रदूषण की मात्रा 246 से 260 AQI तक रहता है। दोस्तों अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पटना की जहरीली हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। लालू के करीबी RJD के पूर्व विधायक के बेटा की हत्या। घर के बाहर बदमाशों ने सीने में उतार दी 5 गोलियां। मातम में तब्दील हुआ पूरा गांव। दोस्तों बिहार के अरवल जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब RJD के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह के बेटे दिवाकर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना उस वक्त का है जब दिवाकर खाना खाकर घर के बाहर टहल रहा था। फिर कुछ ही देर बाद एक के बाद एक 5 राउंड फायरिंग गई जिसके चलते दिवाकर का ऑन द स्पॉट मौत हो गई। यही गांव हिक्षन बिगहा लालू यादव की बेटी का ससुराल भी है। कोरोना के मामले में बीते 24 घंटे में 91 नए मरीज। बिहार में कुल 316 एक्टिव केस। दोस्तों बिहार में लगातार कोरोना के मामले में वृद्धि हो रही है। 14 अप्रैल को 14 नए कोरोना केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल मरीजों की संख्या से आधे से अधिक केवल पटना से है। पटना में 51 एक्टिव कोरोना का मामला सामने आया है। कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या में से 8 मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाकी मरीज होम आइसोलेशन में अपना उपचार करवा रहे हैं। सिर्फ पटना में एक्टिव मरीजों की संख्या 177 पहुंच गई है। MBA की छात्रा बनी मिस बिहार। आइए जानते हैं मुजफ्फरपुर के इस बेटी की कहानी। मुजफ्फरपुर के रहने वाली दो महिलाओं ने जिले का मान सम्मान बढ़ाया है। दरअसल बीबीगंज की रहने वाली सोनाली श्रीवास्तव और कमलाबाग की रहने वाली रिमझिम सिंह ने पटना में आयोजित ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिस और मिसेज की खिताब जीती है। सोनाली बताती है कि यह कॉन्टेस्ट हर साल देश के अलग अलग राज्यों सहित पटना में भी आयोजित होता है। मिस सोनाली बताती है कि मुजफ्फरपुर शहर में रहकर मॉडलिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ के लोगों ने अभी भी इसके महत्व और करियर को नहीं समझा है। फिलहाल सोनाली MBA की छात्रा है और आगे चलकर उसका प्रयास रहेगा कि मिस इंडिया का खिताब भी अपनी झोली में डालेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए